हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि चैनल हैक क्यों होता है। जैसे कि आप सबको पता है कि हाल ही फिलहाल में छोटू दादा का चैनल जो है जेके एंटरटेनमेंट चैनल है वो मतलब जो हैक हो गया था, लेकिन चैनल तो वापस आ गया है। तो हम बात करने वाले हैं कि चैनल हैक कैसे हो गया, उसका चैनल जो हैक हुआ है कैसे हुआ होगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं 90% कह सकता हूँ कि उसका चैनल कैसे हैक हुआ है मुझे पता है। तो यहाँ पे आप में से काफ़ी लोगों के मन में सवाल आया होगा कि मुझे कैसे पता होगा। तो यहाँ पे दोस्तों को बता दूँ कि जो छोटू दादा का चैनल को हैक किया था, जेके एंटरटेनमेंट चैनल को हैक किया था, वही मतलब जो है वही हैकर मेरा चैनल को भी हैक किया था। जी हाँ, यहाँ पे जो इथेरियम नाम का हैकर है जो छोटू दादा का चैनल को हैक किया था, वही इथेरियम मेरा चैनल को भी हैक किया था। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मतलब जो है वो हैकर जो है ऑटोमेटिकली हमारे चैनल को हैक कर लेता है। यहाँ पे कुछ बाय मिस्टेक हम करते हैं, कुछ हम गलतियाँ करते हैं जिसके वजह से हमारा चैनल हैक हो जाता है। तो यहाँ पे आपको बताता हूँ कि कौन सा गलतियाँ जो मैंने किया था और मेरा चैनल हैक हो गया था, और सेम टू सेम वही गलतियाँ और छोटू दादा भी किया होगा और उसका भी चैनल हैक हो गया होगा। तो यहाँ पे कौन सा मिस्टेक है, कौन सा गलती है, आज के दिन इसको बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट देखिएगा, क्योंकि यहाँ मतलब जो है कल मेरे साथ हुआ था, आज छोटू दादा के साथ हुआ है, और हो सकता है कि फ्यूचर में या कल आपके साथ भी हो जाए। तो यहाँ पे हम सभी को अवेयरनेस की जरूरत है, हम सभी को सतर्क रहना होगा अगर हम चाहते हैं हमारा चैनल सही सलामत रहे। तो यहाँ पे दोस्तों चैनल हैक होने का प्रोसेसिंग जो है कुछ ऐसे चालू होता है कि हमारा जो एक बिजनेस मेल होता है जो कि हम यूट्यूब पे वहाँ पे डाला रहता है बिजनेस मेल, तो उस मेल पे एक मेल आता है। जी हाँ, यहाँ पे इथेरियम नाम का एक हैकर है, इथेरियम नाम से ही आपको एक मेल आएगा। तो मेल जो है स्पॉन्सर मेल रहता है, यहाँ पे आपसे कुछ बोला है कि मतलब मेरा प्रोडक्ट के बारे में कि मेरे प्रोडक्ट को स्पॉन्सर कर दो। तो यहाँ पे तो सेम टू सेम गलती मैं भी किया था, मेरे पास भी एक मेल आया था और उस मेल को मैं एक्सेप्ट किया था, उस मेल को मैं खोला था, मैं पढ़ा था और वहाँ मतलब जो मैं एग्री हो गया, मतलब चलो यार ठीक है मैं स्पॉन्सर कर देंगे। तो वहाँ पे उधर से एक और लिंक भेजता है दोस्तों, एक और मेल में एक लिंक भेजता है और वहाँ पे मतलब जो है उस लिंक पे क्लिक करना होता है, लेकिन वहाँ पे एक जिप फाइल होता है। तो जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगा। तो जिप फाइल को खोलने के लिए भी आपको एक पासवर्ड चाहिए होता है। तो वहाँ पे मतलब जो है पासवर्ड आपको ईमेल नहीं भेज देगा कि ADS। जी हाँ, यहाँ पे मतलब जो आपको ध्यान में रखना होगा ADS नाम का जो है ये पासवर्ड भी आपको प्रोवाइड कर देता है कि मतलब वो जिप फाइल को खोलने के लिए आपको जो है ADS नाम का जो ये पासवर्ड आपको वहाँ पे डालना है, और इस पासवर्ड से वो जिप फाइल खुल भी जाता है। और जैसे वो जिप फाइल खुलता है तो वहाँ से आपको कहा जाता है कि वहाँ पे 2-3 वीडियो है जो कि आप मतलब उस वीडियो को वॉच करेंगे। वॉच करने के बाद जो हमारा एल्गोरिथम है, मतलब जो है कैसे स्पॉन्सर करना है, कैसे आपको वीडियो बनाना है, पूरा का पूरा डिटेल जो है आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने भी सेम टू सेम वही किया था, जिप फाइल को खोल दिया था उसका पासवर्ड से, और पासवर्ड खोलने के बाद मतलब जो है मेरे पास भी 2-3 फाइल आया था, और उस फाइल को खोलने के लिए मतलब जो है प्ले करने के लिए मैं सोच जाए प्ले करते हैं तो वहाँ पर दोस्तों प्ले होता ही नहीं। जी हाँ, आप जैसे प्ले पर क्लिक करेंगे प्ले नहीं होगा, और एक दो बार आप क्लिक करते हैं तो क्लिक हो जाएगा और वहाँ से वो फाइल जो है गायब हो जाएगा। जी हाँ, तो मेरे केस में भी कुछ ऐसे ही हुआ था, जैसे मैंने डबल क्लिक किया था तो वहाँ से मेरे सिस्टम से वो फाइल जो है गायब हो गया। जैसे फाइल गायब हो गया तो मुझे शक हो गया यार कुछ न कुछ गड़बड़ है, लेकिन आए मतलब जो है मैं उसको नज़रअंदाज कर दिया कि यार चलो कुछ भी नहीं होगा। जैसे मैं मॉर्निंग में सो के उठता हूँ और वहाँ पे मतलब अपना YT स्टूडियो ओपन करता हूँ तो वहाँ पे हमसे मांगा जाता है पासवर्ड। जी हाँ, यहाँ पे मतलब जो हमसे कहा जाता है कि आप इसमें लॉग आउट हो गए हैं, मतलब अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डालिए और उसमें लॉगिन कीजिए, और उसके बाद जैसे आप उसमें अपना पासवर्ड डालते हैं तो पासवर्ड रॉन्ग बताएगा। जी हाँ, वहाँ मतलब जो है जैसे आप पासवर्ड डालते हैं तो पासवर्ड वहाँ पे रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि उस वक्त जो है हमारा चैनल हैक हो चुका होता है। और सबसे पहले हमारा जीमेल को हैक करता है, जीमेल को हैक करने के बाद उसका जो रिकवरी पासवर्ड होता है उसको भी चेंज कर देता है, मतलब रिकवरी मोबाइल नंबर होता है, ईमेल एड्रेस होता है जो कि हम रिकवरी के लिए वहां पे डालते हैं, सारा का सारा को चेंज कर देता है, जिसकी वजह से हम उसमें जो है किसी तरह से मतलब जो है लॉगिन नहीं कर पाएंगे। आप कितना ही मतलब जो है फॉरगेट पासवर्ड कीजिए, मतलब कितना भी ना करके कोशिश कीजिए दोस्तों, आप उसमें लॉगिन नहीं कर सकते हैं। तो यहां पे दोस्तों प्रोसेसिंग कुछ ऐसे ही होता है चैनल हैक होने का। तो यहां मैं 99% कह सकता हूं कि छोटू दादा जो मतलब जेके एंटरटेनमेंट का चैनल है कुछ ऐसे ही इसी प्रकार से हैक हुआ होगा। कुछ दिन पहले मतलब जो है मनोज दे का चैनल भी हैक होते होते बच गया था, तो उसने भी यही सलाह दिया था कि जिस जीमेल से हमारा YouTube चैनल है उस जीमेल को हमको जो एक सेपरेट मोबाइल में रखना है, और हमारा जो स्पॉन्सर का जीमेल है उसको मतलब जो है अलग रखना है। तो उसका मतलब जैसे स्पॉन्सर का ईमेल आता है, कोई फेक मेल भी आता है, तो आपका मतलब जो जीमेल ही हैक होगा ना, आपका चैनल तो हैक नहीं होगा, क्योंकि आपका चैनल जो है दूसरा डिवाइस में कनेक्ट है। तो यहाँ पे दोस्तों अभी के समय में बहुत ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि मतलब बहुत ही मेल आता है। जी हाँ, अभी मतलब जो मेरा चैनल रिकवर आया था, और रिकवर आने के बाद जो है फिर से उसी का मेल आ रहा है। जी हाँ, यहाँ मतलब जो नेम चेंज कर देता है, लेकिन उसका जो पासवर्ड होता है, जो ADS का जो पासवर्ड होता है, उस पासवर्ड देख के मुझे मतलब जो है काफी हंसी आता है कि यार मेरा चैनल तो इसी ने हैक किया।
था और फिर से मतलब जो है वही वैसे ही मेल भेजता है। और यहाँ मतलब जो है ये मेल दोस्तों अभी के समय में बहुत ही मतलब लगभग कहे तो सभी यूट्यूबर के पास जाता है और मतलब उस जाल में जो फंस जाता है उसका चैनल जो है गायब कर देता है। मतलब हैक होने के बाद जो है काफ़ी सारा प्रॉब्लम होता है, काफ़ी पापर बेलने के बाद जो है हमारा चैनल वापस आता है। जैसे कि मतलब छोटे जगह चैनल वापस आया होगा तो उसी को पता होगा कि उसका चैनल कैसे वापस आता है। तो यहाँ पे मतलब जो है मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो बना देना चाहिए, क्योंकि जो जो मिस्टेक मैं किया था अगर मैं उस पर वीडियो बना लेता हूँ तो सामने वाला जो इस वीडियो को वॉच करेगा वो ऐसा मिस्टेक नहीं करेगा। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि चैनल कैसे हैक होता है और आप जो है नेक्स्ट टाइम ऐसे गलती नहीं करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं और इस तरह इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।